सिंगर लाइफ स्टोरी, किसे उस अल्लाह वसाई की जिंदगी के जिसकी आवाज पर झूमते थे भारत पाकिस्तान। जब दुनिया से रुखसत हुई तो कैसे 4 लाख लोग जनाजे में पहुंच गए। नूर जहान, द क्वीन ऑफ मेलोडी, द क्वीन ऑफ हार्ट्स। लाहौर में संगीत की एक महफिल थी जो एक पीर के चाहने वालों ने सजाई थी। वहां एक लड़की भी थी, उसने नात गुनगुनाई। पीर ने उसकी खूबसूरत आवाज से मुतासिर होकर कहा, बेटी पंजाबी में भी कुछ हमें सुनाओ। उस लड़की ने फौरन पंजाबी में तान ली। लड़की ने जो गाया उसके मायने थे, इस 5 नदियों की धरती की पतंग आसमान तक पहुंचे। जब उसने गाना शुरू किया तो पीर अलग दुनिया में खो गए। जागे तो दुआएं देते हुए बोले, लड़की तेरी पतंग भी एक दिन आसमान तक पहुंचेगी। ये लड़की वो थी जिसे दुनिया ने बाद में नूरजहां के नाम से पहचाना और पुकारा। वो नूरजहां जिनके बारे में भारत की कोकिला लता मंगेशकर ने कहा, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के जैसे ही दूसरी नूरजहां कभी नहीं होगी। ना मालूम कितने दावेदार थे उनके दिल के, पता नहीं कितने दिलों की धड़कन थीं वो हसीन निगाहों की मालिकन, वो खूबसूरत आवाज की मल्लिका, वो नफासत का अंदाज, वो गुफ्तगू का लहजा जिस पर फिदा होने को तैयार थे उनके लाखों मुरीद। जब वो गुनगुनाती थीं तो ठहर जाती थीं धड़कने। तभी तो उन्हें पाकिस्तान में मल्लिकाए तरनुम कहा गया। पंजाब के कसूर में 21 सितंबर 1926 को नूरजहां पैदा हुई। वो इमदाद अली और फतेह बीबी के 11 बच्चों में से एक थीं। वो पैदा हुई तो नाम रखा गया अल्लाह वसाई। जब बचपन में वो रोती थी तब उनकी फुप्पो यानी बुआ ने कहा था, ये लड़की तो रोती भी सुर में है। अल्लाह वसाई के मामा मोहम्मद शफी जीन थे, वो उस वक्त के शोबिज को थोड़ा बहुत समझते थे। उन्हें इस बात का इल्म था कि अगर उन्हें अपनी भांजी के टैलेंट को निखारना है तो कलकत्ता जाकर किस्मत को आजमाना होगा। लिहाजा अल्लाह वसाई कलकत्ता शिफ्ट हो गई। जब भी किसी महफिल में जाती तो उनसे हमेशा मुख्तार बेगम का गाना बोलो तारा रा गाने की फरमाइश की जाती। साल 1942 में लाहौर फिल्म इंस्टीट्यूट के चीफ सेठ दिलसुख हेम पंचोली ने नूरजहां को बतौर हीरोइन कास्ट किया और डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी के साथ खानदान फिल्म बनाई। उस फिल्म की कामयाबी ने नूरजहां को भारतीय सिनेमा में स्थापित कर दिया। खानदान से शुरू हुआ सफर दोस्त, जीनत, बड़ी माँ, जुगनू जैसी फिल्मों तक पहुंचा और अपनी खास पहचान बनाई। भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर सितंबर 1947 में नूरजहां अपने पति शौकत हुसैन रिजवी और 2 साल के बेटे अकबर रिजवी के साथ पाकिस्तान चली गईं। 1961 में रिलीज हुई फिल्म गालिब उनके करियर की आखिरी फिल्म रही जिसमें उन्होंने बतौर एक्टर और सिंगर काम किया। 6 बच्चों की मां और एक कामयाब एक्टर की बीवी होने की वजह से उनको पूरी तरह से अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना पड़ा। इस शादी को बचाने के लिए उन्होंने अपना करियर भले दांव पर लगाया लेकिन फिर भी ये शादी बच नहीं पाई। 1971 में उन्होंने दुर्रानी से तलाक ले लिया। यह इश्क और नाज उठाने की दीवानगी तलाक हो जाने के बाद भी कायम रही। इस बात की तस्दीक उनकी बेटी मीना ने एक इंटरव्यू में की। मीना ने बताया, आखिरी दिनों में माँ मेरे और हिना के साथ कराची में रह रही थी जहाँ हमारे अब्बा एजाज दुर्रानी भी आते थे। हमने देखा कि जब तक मेरी माँ अपने हाथों से काम कर सकती थी तब तक वह मेरे अब्बा के लिए नाश्ता तैयार करती थी, भले ही उनका काफी समय पहले तलाक हो चुका था। नूरजहां का वो शेखी मिजाज। नूरजहां जीन भी थीं और हाजिर जवाब भी। वह अगर किसी से अच्छी बात सुनती तो उसकी तारीफ भी करती थी। एक बार की बात है, नूरजहां अपने दोस्तों की महफिल में थी। हंसी मजाक चल रहा था। नूरजहां अपने दोस्तों के बीच अपने गीतों के हिट होने की शेखी बघारने लगती है। नूरजहां ने कहा, जब मेरा गाना आवाज दे कहा है दुनिया मेरी जवान है हिट हुआ तो मेरा बेटा अकबर पैदा होने वाला था। इसी तरह मेरा गाना चंद या टोटिया दिला सुपरहिट हुआ तो फिर जाल हुमा पैदा होने वाली थी। इसी तरह जब मेरा गाना आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे हिट हुआ तो इच्छू मियां यानी असगर रिजवी मेरे पेट में थे। इस पर पास बैठे एक संगीतकार ने पूछ लिया, मैम आपने कोई गीत क्या कभी खाली पेट भी गाया है? ये ऐसा सवाल था जिसे सुनकर सब खखे लगाने लगे और नूरजहां भी खिलखिलाकर हंस पड़ी।
इंदिरा गांधी को क्यों नहीं सुनाया था गाना। एक बार जब नूरजहां भारत आईं तो उनकी मुलाकात इंदिरा गांधी से हुई थी। नूरजहां की बेटी हिना के मुताबिक इस मुलाकात में इंदिरा गांधी ने उनसे गाने की फरमाइश की थी, मगर उनकी मां ने कहा, आज मैं आपकी मेहमान हूँ, मैं आपको गाना उस वक्त सुनाऊंगी जब आप हमारी मेहमान होंगी। यानी इस तरह उन्होंने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। बेनजीर भुट्टो के दौर में जब राजीव गांधी पाकिस्तान गए तो नूरजहां को गाने के लिए कहा गया। उस वक्त नूरजहां ने कहा, मैंने आपकी वालिदा इंदिरा गांधी को गाना नहीं सुनाया था, आज आप हमारे मेहमान हैं, आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो गाने सुनाऊंगी। इसके बाद नूरजहां ने फैज की नज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत और एक गाना आवाज दे कहां है सुनाया। बंटवारे के बाद नूरजहां 1983 में पहली और आखिरी बार अपनी बेटियों के साथ भारत आई थी। भारत आने के बाद उन्होंने दिलीप कुमार के साथ दूरदर्शन मुंबई में एक इंटरव्यू दिया था। इस दौरान वो बंटवारे के दिनों को याद करते हुए भावुक हो गई थी। नूरजहां की कामयाबी की बात की जाए तो 1965 में उनको गायकी और अदाकारी के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से सम्मानित किया। 1965 में ही नूरजहां को युद्ध के दौरान गाए गए गीतों के लिए निगार पुरस्कार दिया गया। साल 1999 में सिनेमा में दी गई सेवाओं के लिए मिलेनियम अवार्ड दिया गया। साल 2000 में पाकिस्तान के पीटीवी ने उन्हें वॉयस ऑफ सेंचुरी का खिताब दिया गया। मल्लिका ए तरन्नुम कहा गया। बेमिसाल नूरजहां के गानों को सुनकर अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कुदरत का करिश्मा ही थी नूरजहां, जिन्होंने अपनी जादुई आवाज से भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर एक ब्रिज का काम किया। 1992 में नूरजहां ने गाना बंद कर दिया। साल 2000 में दिल का दौरा पड़ा और दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गईं। उनको कराची में जामिया मस्जिद सुल्तान में दफनाया गया। उनके जनाजे में मौजूद लोगों की तादाद 4 लाख से अधिक बताई जाती है। तो दोस्तों, नूरजहां की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।